अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, सऊदी की लेबर कोर्ट ने दो अहम खबरें सुनाई, वो भी लेबर के हक में। जो भी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं उनके हक में फैसला सुनाया है और कंपनियों को बहुत बड़ी हिदायत भी दी है कि कंपनी ऐसा ना करे नहीं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उसमें से एक आदमी ने अपने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी लेबर कोर्ट में, उसका भी फैसला आया है। और क्या फैसला दिया कोर्ट ने, सारा डिटेल आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें, ताकि उस पर भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, ताकि उसके जरिए भी कुछ लोगों को इसकी खबर मिल जाए। तो सबसे पहले मैं जो शिकायत दर्ज कराई गई थी इसके बारे में आपको बता दूं कि क्या शिकायत दर्ज कराई गई थी। ठीक है, इसमें एक वर्कर ने लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी अपने कंपनी के खिलाफ कि कंपनी ने उसको काम से निकाल दिया है और ना ही सैलरी दिया है और ना ही उसको कुछ बेनिफिट दिया, ना ही बोनस वगैरह दिया। तो इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान लेबर कोर्ट ने फैसला दिया कंपनी को कि आप बिना किसी वाजिब रीजन के किसी भी वर्कर को कंपनी से निकाल नहीं सकते, उसका एक वाजिब रीजन होना चाहिए। लेकिन कंपनी ने निकाला था इसके लिए कि उसका एक ब्रांच बंद हो गया था, इसके लिए उस वर्कर को निकाल दिया था। फिर वर्कर ने इसको लेबर कोर्ट में इसकी केस दर्ज कराई, फिर वहाँ पे केस दर्ज हुआ। फिर जब केस दर्ज होने के बाद उसकी सुनवाई हुई तो लेबर कोर्ट के हक में फैसला आया और वहाँ के जज ने कंपनी को आदेश दिया कि इसका जितना भी बाकी सैलरी है उसको सैलरी बाकी बकाया वापस किया जाए और जितने भी इसके एंड ऑफ सर्विस है उसको भी दिया जाए और इसका जो भी उसका जो सर्टिफिकेट होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो भी उसको दे दिया जाए और भी पूरा तरीके से सही करके उसको काम पे दोबारा भी रखा जाए। ठीक है, ये फैसला तो वर्कर के हक में आया। लेकिन एक फैसला और आया कोर्ट की तरफ से, उसमें बताया गया है कि कामगारों को छुट्टी पे जाने से पहले या फिर उनको खुद निहाई लगाने से पहले जितना भी उनका हक है, जैसे उनका सैलरी, उनका इंडा बेनिफिट, उनका बोनस और आउट उनका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनको देश छोड़ने से पहले मुहैया करा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने के ऊपर कंपनियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और तो और ये सब जितने भी जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको फ्री में देना होगा और उसमें ये भी लिखना चाहिए कि ताकि आपको कि सर्टिफिकेट में ये भी लिखा होना चाहिए कि आपकी वर्कर किस दिन ज्वाइन किया था और किस तारीख को ये रिटायर हो रहा है। ये सब लिखने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट को वर्कर के हवाले कर देना होगा। और काम का सैलरी जो सैलरी है उनका वर्कर का हर हाल में उसको पूरा करके देना होगा। ठीक है ना, यही थोड़ी सी अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। और भी जो भी खबरें आएगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा आपको। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।